Good morning, everyone. Myself, Dietitian Shilpa, working as a Senior Clinical Dietitian in Healing Hospital, Chandigarh. So, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइट प्लान आफ्टर एंजियोप्लास्टी. जैसे लास्ट वीडियो में डॉक्टर आरपी सर ने बोला था कि आप अपने डेली रूटीन में जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें 25-30% अगर चेंजेस कर सकते हैं तो आप अपनी हार्ट हेल्थ को और इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी हार्ट हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं. सो वो क्या चेंजेस हैं आज मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी. सो फर्स्ट वन, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस टाइम पे आप लाइक टी की जगह ग्रीन टी हो गया और कोई भी हर्बल टी विद आप बिस्किट्स की जगह पर अपने आलमंड्स एंड वॉलनट्स यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड वन, योर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में आपके जितने भी लाइक सैचुरेटेड फैट्स हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड करो. सैचुरेटेड फैट्स लाइक योर बटर एंड पराठा बहुत फेमस है आजकल इंडियन डाइट्स में. सो पराठा की जगह आप लाइक स्टफ रोटी विथ फुल वॉल ऑफ कर्ड लो फैट वो आप यूज़ कर सकते हैं. इवन लो फैट मिल्क के साथ में कोई भी सीरियल आपके मिल जाते हैं लाइक मूसली है और योर ओट्स फ्लेक्स हैं, होल व्हीट फ्लेक्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं. लाइक इवन एग वाइट्स के साथ में आप वन फ्रूट बोल हो गया वो आप ले सकते हैं. उसके बाद आपका मिड मॉर्निंग में वन बोल योर स्प्राउट्स एंड योर फ्रूट्स वो आप यूज़ करेंगे. सेम लंच टाइम पे जितना आपका लंच है, लंच आपका जैसे प्रॉपर मील होती है, प्रॉपर थाली होती है, वो आप ले सकते हैं. बट ट्राई द सेम, द रूल इज सैचुरेटेड फैट आप अवॉइड करेंगे. जो आप सब्जी दाल में तड़का लगाते हैं जितना कम हो सकता है उतना कम आप ऑयल यूज़ करिए. चपाती ज़रूरी नहीं है कि घी लगाकर ही खानी है, आप ड्राई चपाती भी खा सकते हैं. और मिसी रोटी आप इवन आप यूज़ कर सकते हैं एंड लो फैट कर्ड आप यूज़ करेंगे, ठीक है. या लो फैट कोई भी आप मिल्क के साथ डेजर्ट आप यूज़ कर सकते हैं. देन उसके बाद चाय आपका जैसे 4 o'clock है या 4-5 के बीच में आप अगर टी ले रहे हैं तो टी आप लाइक ग्रीन टी और नॉर्मल टी अगर ले रहे हैं तो लो फैट विथ लेस शुगर. कई बार क्या होता है कि शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स का, 2-3 चम्मच शुगर डाल के वो चाय पियेंगे एंड दिन में कम से कम 2-3 or 4-5 बार भी उनकी चाय हो जाती है. सो उनका इंटेक कम करना है. एक्सेसिव शुगर इंटेक भी आपके हार्ट के लिए अनहेल्दी है. साथ में आप बिस्किट ज़रूरी नहीं है, रस ज़रूरी नहीं है कि वो लें, क्योंकि उसमें भी आपके वही सेम बेकरी गुड्स हैं, आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं. उसकी जगह पर आप रोस्टेड सीरियल्स हैं, रोस्टेड आजकल बहुत सारी नमकीन आती है वो यूज़ कर सकते हैं. देन जब भी आपको कभी भूख लग रही है लाइक इवन 6-7 o'clock हमेशा आप हेल्दी स्नैक्स चूज़ करिए कंपेयर टू लाइक योर मैदा स्टफ और योर समोसा कचौड़ियाँ ये सब चीज़ों को छोड़ के लाइक हेल्दी स्नैक्स में लाइक आप वेजिटेबल सूप हो गया और रोस्टेड फॉर्म में एनी लाइक आपकी वेजिटेबल्स हो गई, सोया चाप मिल जाती है. एंड इवन इसके अलावा आप है ना कोकोनट वाटर है, फ्रेश लस्सी है, लेमन वाटर है, लिक्विड फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं. ढोकला इवन बेक्ड फॉर्म में आप घर का बना हुआ जैसे ढोकला है वो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड इसके बाद आपका डिनर में भी सेम एज लंच योर प्रॉपर मील, प्रॉपर थाली होनी चाहिए जिसमें सेम है आपका लेस अमाउंट ऑफ ऑयल आप यूज़ करेंगे योर दाल एंड सब्जी एंड विथ ड्राई चपाती और मिसी चपाती. एंड उसके बाद मोस्टली इंडियंस की आदत होती है कि 1 glass मिल्क ज़रूर लेना है. सो आफ्टर डिनर 1 glass मिल्क आपने अवॉइड करना है अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं. वो मिल्क आप 6 o'clock और 4 o'clock यूज़ कर सकते हैं बट आफ्टर डिनर नहीं यूज़ करना. उसके बाद आपने 15 मिनट्स की वॉक ज़रूर करिए. एंड अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है या आपको कुछ भी आपने पूछना है सेम हीलिंग हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल हूँ. आप आइए, मैं आपका डाइट प्रॉपर वो मॉडिफाई करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि आपने अपने डेली रूटीन में और क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें मॉडिफाई करनी है जिससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहे और आप फिज़िकली और एक्टिव रहें. Thank you so much for watching my video. Eat healthy, be healthy.